पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में अजीब ही तस्वीर देखने को मिली है। यहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा देखने को मिला। इन लोगों का गुस्सा चिराग पासवान और नित्यानंद राय को लेकर फूटा। इनका आरोप है कि चिराग पासवान की वजह से पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है, इसलिए ये एनडीए का समर्थन तो करेंगे लेकिन चिराग की 5 सीटों और नित्यानंद राय की 1 सीट समेत कुल 6 सीट पर विरोध करेंगे। इन लोगों ने पार्टी के निर्णय को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि हम मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हमारे पार्टी के नेता का निर्णय जो भी हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत निर्णय कोई नहीं बदल सकता है। आकाश यादव ने कहा कि हम 40 सीट नहीं लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के 5 सीट और नित्यानंद राय के उजियारपुर लोकसभा सीट पर हम अकेले अपने समर्थकों के साथ विरोध करेंगे। इसमें हमारी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा लेकिन घर घर जाकर हम विरोध करेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। आकाश यादव ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार नित्यानंद राय हैं। क्या हुआ? जब तक चिराग पासवान स्वयं रूप से ही मिलता है तब तक वोट नहीं देंगे हम लोग। एक तो चीजों पर आप कर दिया। देखिए, आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं हम। हम किसका विरोध करेंगे, किसका समर्थन करेंगे, ये हमारा विचारधारा और हमारा तन और मन और धन जानेगा। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस चाचा जी हैं और आजीवन हमारे नेता वही रहेंगे। हमारा पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 40 सीटों पर समर्थन करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत, ये पार्टी के समक्ष मेरा रहा है कि हम 40 में 6 सीट, जो 5 सीट हमारा था जो हमसे छीना गया है और जिन्होंने छिनवाया है, उजियारपुर लोकसभा के एनडीए के प्रत्याशी नित्यानंद राय जी, उनके खिलाफ सिंगल आकाश यादव पार्टी का झंडा लेकर नहीं, किसी नेता के साथ नहीं, सिंगल में इन 6 सीटों पे मैं उन लोगों को हराने का काम करूंगा जिन्होंने हमारे मान सम्मान के साथ छिड़कानी किया है। क्या आप लोग चिराग जी के साथ देंगे? किसका? चिराग पासवान का साथ? हम वैसे किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं देंगे जिसके वजह से हमारे नेता का मान सम्मान को ठेस पहुँचा है।